इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों चर्चा में कोरप्स फ्लावर, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के खाड़ी क्षेत्र में गैस स्टेशन के बाहर लोग कोरप्स फ्लावर की झलक पाने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी। इसी तरह का नज़ारा फिलाडेल्फिया के टेंपल यूनिवर्सिटी के ग्रीन हाउस में भी देखा गया। दोनों ही स्थानों पर दुर्लभ पौधे कोरप्स फ्लावर के फूल खिले हुए, लोग देखने के लिए इसलिए उत्सुक है क्योंकि ये पौधा 7 से 10 साल के बाद कुछ ही दिनों के लिए खिलता है। क्योंकि ये फूल खुला रहता है और कुछ ही दिनों के लिए अपनी गंध छोड़ता है, ये वैज्ञानिक एवं वनस्पति विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए काफ़ी रोमांचक घटना होती है। अब देखते हैं कोरप्स फ्लावर से जुड़े कुछ फैक्ट्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है और इसकी पत्तियां लगभग 13 फीट यानी 4 मीटर चौड़ी हो सकती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे लंबा फूल एक कोरप्स फ्लावर है जिसकी ऊंचाई 10 फुट एवं 2.25 इंच यानी 3.1 मीटर है। एक सूजे हुए तने का वजन लगभग 45 किलोग्राम होता है। कोरप्स फ्लावर के पौधे में कॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कॉर्म होता है जिसका वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। अब देखते हैं कोरप्स फ्लावर का वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम अमोरफोफेलस टाइटेनियम है। इसका फूल खिलता है तो फूल सड़ते हुए मांस या उपयुक्त रूप से एक सड़ती हुई लाश के समान एक मजबूत गंध का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसे कैरियन फ्लावर भी कहते हैं। कोरप्स फ्लावर एक दुर्लभ पौधा है। कोरप्स फ्लावर के पौधे मूल रूप से इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ICUN ने कोरप्स फ्लावर के पौधों को दुर्लभ पौधा बताया है, इसे खतरे में बताया है क्योंकि सुमात्रा वर्षा वन की कटाई हो रही है। अब देखते हैं कोरप्स फ्लावर के खिलने में लगा समय। कोरप्स फ्लावर का फूल 7 से 10 साल के बाद ही खिलता है एवं कुछ ही दिनों के लिए खिलता है।